हेलो दोस्तों, आइए आज हम लोग फैक्ट्स के इस भाग में INS विक्रांत के बारे में जानते हैं। आखिर भारत के लिए इतना क्यों आवश्यक है INS विक्रांत। 1957 में ब्रिटेन से खरीदे गए HMS हरक्यूलिस को भारत ने 1961 में अपनी नौसेना में INS विक्रांत के नाम से शामिल किया। विक्रांत एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है साहसी। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में INS विक्रांत ने 4 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी नौसेना को नेस्तनाबूत कर दिया था। लगभग 37 वर्षों की सेवा के उपरांत 1997 में इस विमान वाहक युद्धपोत को भारतीय नौसेना ने रिटायर कर दिया। लगभग 25 वर्षों की लंबी प्रतीक्षा के बाद 2 सितंबर 2022 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर के नाम पर बने नए प्रथम स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत भारतीय नौसेना को प्रदान किया। इस विमान वाहक युद्धपोत का नामकरण भारत के प्रथम एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत के नाम पर किया गया है। INS विक्रांत के निर्माण के साथ ही भारत अब अमेरिका, चीन, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों के ग्रुप में शामिल हो गया है जो अपने स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने में सक्षम है। INS विक्रांत का निर्माण कोचीन शिपयार्ड के लिमिटेड के द्वारा 20,000 करोड़ की लागत से लगभग 17 वर्षों के अथक परिश्रम के बाद किया गया है। इस विमान वाहक पोत की लंबाई 262 मीटर, चौड़ाई 62 मीटर एवं ऊंचाई 59 मीटर है। इसका वजन 43,000 टन है। बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर में यह विमान वाहक युद्धपोत भारत का एक मजबूत सुरक्षा प्रहरी होगा क्योंकि चीन और पाकिस्तान से युद्ध की स्थिति में निपटने तथा समुद्री सीमा के सुरक्षा को चाक चौबंद करने के लिए INS विक्रांत जैसे सुरक्षा प्रहरी की आवश्यकता भारत को कई वर्षों से थी। दोस्तों, अगर आपको INS विक्रांत के संबंध में इस वीडियो के माध्यम से हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा हमारे YouTube चैनल KJ Indian Brain Storm को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।